नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जनवरी और आज ही के डेट में एक फिल्म रिलीज हुआ है जिसका नाम है पठान, यानी कि SRK शाहरुख खान की इस मूवी पर इनके सॉन्ग को लेकर बहुत ज़्यादा बाइकवर्ड का ट्रेंड चला और कुछ ऐसा ट्रेंड जो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक इस ट्रेंड को चलाया गया कि इस मूवी में जो सॉन्ग है बेशरम वाला, उसमें जो कपड़े को पहनाया गया है दीपिका पादुकोण को, वो हमारे भगवा रंग की नीचा दिखाता है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज बहुत लोग किए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अनुसार क्या लगता है दोस्तों कि कपड़ा को जो पहनाया गया है उसके लिए इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना कितना हद तक सही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर आगे मेरे जवाब से मैच करिएगा कि कौन से कपड़ा उस टाइम पहनाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा इसमें कुछ, अब देखिए इस मूवी पर जो जो जितने लोग प्रोटेस्ट किए हैं ये तो इनके सॉन्ग को लेकर किए हैं जो इसने कपड़े के ऊपर विवाद उठा था, लेकिन अब जब टीजर आया तो लोग हक्के बके रह गए। ऐसे मानकर चलिए इस इंडिया में पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है, जानते हैं, और इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा किसी को भला नहीं करेंगे तो बुरा तो जरूर ही बोलेंगे, और कुछ लोग तो जब टीजर आया तो चुप ही हो गए और जब फुल ट्रेलर आया तो देखने के बाद कुछ अलग ही धमाल था। वो जितने लोग इस मूवी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके सॉन्ग को लेकर कि इसमें एंटी हिंदू के सब कुछ सीन दिखाया गया है, हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद तब पर भी कुछ ढक गया था ऐसे जो बाइकवर्ड का ट्रेंड चल रहा था। लेकिन उसका क्या, जो अभी भी फिल्म रिलीज होने के बावजूद भी बाइकवर्ड का ट्रेंड चला रहे हैं, अभी तक इंडिया में बाइकवर्ड के ट्रेंड मानकर चलिए 100% में केवल 10% ऐसे लोग हैं जो बाइकवर्ड ट्रेंड चला रहे हैं, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो बाइकवर्ड का ट्रेंड नहीं चला रहे हैं और इसमें एक इंडियन आर्मी के द्वारा जैसे भी ये फिल्म बनाया गया है उस पर अपना रिएक्शन अच्छा दे रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत मजा आया, बहुत अच्छी लगी देखने में। शाहरुख खान का रोल था जो इंडियन आर्मी के तौर पे उन्होंने अपना रोल प्ले करा, और जो था ना एवरेज क्यों लगी? एवरेज लगी, मुझे लगा कि थोड़ा अभी राइटिंग पे। कैसी लगी फिल्म? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत बढ़िया मूवी। कैसी लगी आपको फिल्म? एवरेज है, जॉन वाज गुड भाई साहब, फिल्म दोनों भाई तगड़े हैं भाई, मूवी बढ़िया, पर भाई जॉन इब्राहिम अल्टीमेट और शाहरुख भाई तो सलमान भाई ने बात कर दी, जैसे वो आए आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो जो लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं कि ये फिल्म जो बवासीर है, इस फिल्म को 25 जनवरी यानी कि आज ही के दिन रिलीज किया गया है, 3 बजे इनका पहला शो था, और जब पहला शो लोगों ने देखे और देखकर जब बाहर निकले तो मीडिया द्वारा पॉजिटिव सेंस में बातें आ रही थी, लेकिन उसका क्या, जो अभी भी कुछ नेगेटिव सेंस में ही बात कर रहे हैं उनके हिसाब से ये जो पठान मूवी है वो लोगों का बेकार में ही नींद तोड़वा दिया। इस मूवी पर अभी भी मतलब कि बाइकवर्ड का ट्रेंड चला रहे हैं तो 10% लोग हैं। आपका ख्याल क्या है दोस्तों? इस दुनिया में सबसे सोच विचार करने वाले लोग वही 10% हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो बेकार हैं। अपना राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बात कर लेते हैं कि जब फिल्म की टीजर और ट्रेलर नहीं रिलीज हुआ था तो हम भी इस पर एक वीडियो बनाए थे इनके कपड़े पर ही लेकर। देखिए अगर मानकर चलिए कि हिंदू धर्म में जो संतरे रंग हैं उनको हम अपना की रिवाजों में एक सनातन धर्म का झंडा मानते हैं, लेकिन अगर वहाँ की ट्रेंड को हटा दिया जाए, अगर ये आप सोचिए कि अगर दीपिका पादुकोण जैसे कि पीले कपड़े पहनिए तो ये भी तो एक ऐसी कलर है जो कि कृष्ण भगवान के कपड़े पीले होते हैं, इसका मतलब पीला नहीं कह सकते, उसको पीताम्बर कहते हैं, तो ये उनसे मिलता जुलता है, तब तो ये भी एंटी हिंदू हो गया। अब उसका बात नहीं करूँ, अब इसके अलावा अगर बात करें कि मानकर चलिए ब्लू कलर पहना तो ब्लू कलर भी नीलकंठ यानी कि राम जैसे और महादेव जैसे रंगों की मैच कर रही है जिसे हम नीलकंठ कहते हैं, नीला कलर यानी कि ब्लू से थोड़ा मैच करता है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण को घोषित कर दिया जा सकता है कि अगर ब्लू कपड़े पहनेंगी तब पर भी हम लोग इनको एंटी हिंदी बता देंगे। इसके अलावा अगर हम मानकर चलिए उनको ग्रीन कपड़े पहना दें तो ये भी तो हो सकता है कि जब ग्रीन कपड़े पहनकर बेशरम रंग की फिल्म को शूट किया जाएगा तो कुछ लोग जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं वो निराश हो जाएंगे। देखिए दोस्त बात सिंपल है, जब आजकल की जब पहले के ज़माना में 16 फिल्म जैसे मूवी में आपको ऐसे सीन दिखाया जा रहा है आज के टाइम जो कि कहा जा रहा है कि एंटी हिंदू है, दरअसल बात क्या है, जब वो बसंती मंदिर में जाती हैं और पीछे धर्मेंद्र छिपे रहते हैं तो ऐसे सब नारे, तो उस पर भी कुछ ऐसा क्लेम डाला गया था कि इसमें भी इस फिल्म में भी हमारे हिंदू धर्म का मजाक। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो छानबीन हो रहा है आज के टाइम, ये बाइकवर्ड ट्रेंड आज ही चल रहा है, जब फिल्म आप देखेंगे तो उस टाइम कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो
फिल्म में गलती को छांटते हैं उस टाइम उनको कुछ नहीं समझ आएगा, जैसे कि कुछ दिन पहले पीके के लिए हुआ था। अब देखिए मेरा राय यह है कि ठीक है उसमें संतरा कलर पहनाया गया है, मेरे अनुसार तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं दिखाई गई है या फिर एंटी हिंदू पर विवाद नहीं है, लेकिन जो उसमें ड्रेस पहनाया गया है वो ड्रेस पे हम हमेशा वायलेंस करेंगे, क्योंकि जब ये सब ड्रेस पहनाया गया है इस मूवी में तो देखिए बात ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म जो प्रमुख कपड़ा है वो फुल वस्त्र है, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा इस चीज़ को प्रचलित किया, इसको विदेशों तक अपने धर्म को प्रचार प्रसार किए, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ ड्रेस पहनने लगे, लेकिन जब अपना नॉलेज खुले तो सब लोग हक्के बके रह गए। ऐसे आपको क्या लगता है कि हम लोग भारतीय संस्कृति को थोड़ा खुद ही उनको भुलाते जा रहे हैं और आगे की दुनिया में मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है या नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने जो किए उसका भी तो लोग वायलेंस कर रहे हैं, उस पर बात कोई नहीं उठा रहा, लेकिन इस पर बात हर कोई उठा रहा कि हमारे सनातन धर्म की रंग का अपमान किया गया है। अब इससे थोड़ा हटकर बात करें तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि कुछ लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं बाइकॉट के, वो कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनको कमियां मिलते ही रहेगी और जो जितने भी ऑडियंस हैं वो कुछ लोगों को फिल्म अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको फिल्म अच्छा लगे, कुछ लोग फिल्म की बुराई करने के लिए जाते हैं देखने, कुछ लोग फिल्म की बड़ाई करने के लिए जाते हैं देखने। शाहरुख खान की जब पठान मूवी की ट्रेलर आई उसको बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया, वो भी फुल ट्रेलर, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और यहाँ तक कि जो ये हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी हैं, यहाँ तक शाहरुख खान को बोल दिया कि वो आतंकवादी है। शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। अब इस बात में कितना सच्चाई है और आपको क्या लगता है कमेंट करिए। और इसके अलावा मैं एक और बात आपसे बता दूं कि शाहरुख खान वो शख्स है जो कि है मुस्लिम लेकिन हिंदू लड़की से शादी किए हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट है उनका नाम दिया हिंदुस्तान। आप खुद सुन लीजिए, अभी जो मैं हिंदू मैं मुसलमान और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। और शाहरुख खान ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो इंडिया में आजकल भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ये धर्म के आधार पर, ये बहुत ही एक प्रॉब्लम जैसा चीज है। Our country, we keep on talking about religion. We're going to go back to the dark ages. ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमारा देश खुद ही पीछे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये विकास कर रहा है दिन पर दिन। तो वैसे आप क्या सोच रहे हैं इस मूवी के बारे में और आपको कैसा लगा ये मूवी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।